Okay, dear students, today we are going to solve miscellaneous exercise on chapter 2. With this, your chapter 2 will be finished and we will be in position to start our next chapter, trigonometric functions. इसमें बच्चों कुछ प्रॉब्लम सब लोग देखेंगे. जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, एक फंक्शन है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर थ्री एक्स जीरो लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू थ्री, थ्री इज लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू टेन. एंड दूसरा फंक्शन है जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर एंड थ्री एक्स, बट हियर रेंज इज डिफरेंट, जीरो टू टू एंड टू टू टेन. आपको ये बताना है कि f एक फंक्शन है जबकि g फंक्शन नहीं है. डेफिनेशन से देख के तो लगता दोनों ही फंक्शन है, लेकिन फंक्शन के लिए कंडीशन क्या है कि फंक्शन एक ऐसा रिलेशन होता है जो हर एलिमेंट की एक यूनिक इमेज देता है. इज दैट क्लियर? तो लेट अस सी. फॉर ऑल जीरो लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू थ्री एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर गिव्स अ यूनिक इमेज. फॉर ऑल थ्री लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू टेन, याद है बीइंग ए पॉलीनोमियल फंक्शन, ऐसा लिख सकते हैं. पॉलीनोमियल फंक्शन तो वेल डिफाइंड होता है. एफ एक्स इज इक्वल टू थ्री एक्स गिव्स अ यूनिक इमेज ऑफ ईच एलिमेंट बीइंग ए पॉलीनोमियल फंक्शन, यहां पर भी सेम. बट एक्स इक्वल टू थ्री इज ए टर्निंग पॉइंट, so we need to check f images of 3. 3 ऊपर वाली रेंज में भी है और नीचे वाली में, और दोनों जगह लेस देन इक्वल टू है. तो 3 में चूंकि डेफिनेशन जो है वो टर्न हो रही है, तो डेफिनेशन टर्न हो रही है तो हम उस पर उसकी इमेज को चेक करें. f ऑफ 3 इज इक्वल टू थ्री स्क्वायर यानी नाइन. आल्सो एफ ऑफ थ्री इज इक्वल टू थ्री इंटू थ्री, थ्री एक्स से निकालेंगे तो ये भी नाइन है ना. तो बोथ आर सेम, दोनों जगह से एक्स का मान थ्री की इमेज नाइन ही मिल रही है, इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है. एक से ज्यादा इमेज मिल जाती तो गड़बड़ हो जाता. तो क्या लिखेंगे? दस एफ गिव्स a unique image for each x belongs to closed interval 0 to 10, therefore f is a function. Is that clear to everybody? ओके. अब जी ऑफ एक्स की केस में भी वैसी है, यहां पॉलीनोमियल है यहां भी पॉलीनोमियल है, तो अलग अलग रेंज में देखेंगे तो दोनों पॉलीनोमियल यूनिक इमेज देगा. तो हम लोग बोलेंगे सिमिलरली इन केस ऑफ जी वी फाइंड दैट g of x equal to x square gives g of 2 is equal to 2 square yani 4, g of x is equal to 3x gives g of
टू, यहाँ टू टर्निंग पॉइंट है, इसलिए टू पे चेक कर रहे हैं, तो थ्री इंटू टू दैट इज इक्वल टू सिक्स। आप देखो जी नाम का जो फंक्शन है वो फंक्शन तो एक ही है, लेकिन वो टू नाम के एलिमेंट की दो दो इमेज दे रहा है, मतलब जी वाला जो फंक्शन बनेगा उसमें ऐसी स्थिति बनेगी, टू की इमेज फोर भी है सिक्स भी। दस जी इमेज ऑफ टू इज नॉट यूनिक, देयरफॉर जी इज नॉट ए फंक्शन, जी फंक्शन नहीं होगा क्योंकि वो यूनिक इमेज नहीं दे रहा है। आई होप सॉल्यूशन इज वेरी मच क्लियर टू एवरीबॉडी। सो ध्यान से इसको आप लोग एक बार पुनः देख लें, समझ लें, साथ में कॉपी पेन रखिए बच्चों अपने हाथ में, ताकि जो मैं बोलता हूँ वो आप सुनते हुए अगर लिखने की आदत डालेंगे तो आपकी राइटिंग स्पीड भी बढ़ेगी और अंडरस्टैंडिंग भी डेवलप होगी। What we are observing, what we are hearing, what we are writing, जो हम देख रहे हैं, जो हम लिख रहे हैं और जो हम सुन रहे हैं, तीनों चीजें अगर मैच होती हैं तो बहुत अच्छा। Second problem is quite simple, fx equal to x square is given, you have to find f of 1.1 minus f of 1 upon 1.1 minus 1। तो x केवल फंक्शन में x की जगह 1.1 और 1 रख के वैल्यूज निकाल के उसमें डालना है, दैट इज क्वाइट सिंपल। थर्ड क्वेश्चन, फाइंड द डोमेन ऑफ द फंक्शन, व्हाट काइंड ऑफ फंक्शन इज दिस, डेफिनेटली इट्स ए रैशनल फंक्शन। रैशनल फंक्शन में मैंने आपको सिखाया था कि हमको सबसे पहले ये देखना है कि इस फंक्शन में जैसे ये न्यूमरेटर तो x प्लस वन का स्क्वायर है और डिनोमिनेटर में 6 × 12 अगर फैक्टराइज करोगे तो x माइनस टू एक्स माइनस सिक्स मिलेगा। 11वीं क्लास के बच्चों को ये फैक्टराइजेशन ओरल बनना चाहिए। अब देखिए ये तो स्पष्ट है कि क्लियरली एफ ऑफ एक्स इज नॉट डिफाइंड एट एक्स इज इक्वल टू टू एंड एक्स इज इक्वल टू सिक्स, देयरफॉर डोमेन ऑफ द फंक्शन विल बी रियल नंबर माइनस, रियल नंबर में से आप टू और सिक्स का सेट माइनस कर दीजिए, मतलब लिखने का मतलब यह है कि 2 और 6 को छोड़कर बाकी सारे रियल नंबर का जो सेट होगा वो इस फंक्शन का डोमेन है। आई होप द क्वेश्चन इज क्वाइट ओबियस एंड सॉल्यूशन यू कुड अंडरस्टैंड प्रॉपर्ली। थर्ड क्वेश्चन में एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स माइनस वन, ऐसा फंक्शन मैंने आपको ऑलरेडी बताया है, इसके डोमेन और रेंज आप निकाल सकते हैं, ये आपके लिए पीएसपी है। फोर्थ क्वेश्चन में एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स माइनस वन है, ये भी आपको मैंने ऑलरेडी पिछले वीडियो लेसन में समझाया है मॉडुलस फंक्शन का डोमेन और रेंज निकालना, तो इसको भी आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। थर्ड फिफ्थ क्वेश्चन, ये सिक्स्थ का फिफ्थ क्वेश्चन है, ये फोर्थ सिक्स्थ क्वेश्चन में आपको एक फंक्शन ऐसे डिफाइन किया है एक्स कॉमा एक्स स्क्वायर अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर सच दैट एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, इस फंक्शन का ये रियल नंबर से रियल नंबर में फंक्शन है, इसकी आपको रेंज निकालनी है। तो देखिए ध्यान से, वी हैव, हम ऐसा लिखेंगे, इसका मतलब ये है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर कोई भी नंबर है
और उस नंबर में वन जोड़ करके उसको डिवाइड कर दें, मतलब डिनोमिनेटर इज ऑलवेज ग्रेटर देन न्यूमरेटर, तो डिनोमिनेटर इज ग्रेटर देन न्यूमरेटर, सो वैल्यू ऑलवेज विल बी लेस देन वन, इज दैट क्लियर? वन से हमेशा छोटी वैल्यू आएगी, एक्स का मान जीरो होगा तो जीरो अपॉन वन वैल्यू जीरो आएगी फंक्शन में, तो जीरो की इमेज क्या है, जीरो, ओके। और रेंज निकालने का मतलब है ये फंक्शन कहाँ बिलोंग करेगा, उसको इमेजेस कैसे आएंगी वो हमको निकालना है, तो देखेंगे एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, इसको ऐसा लिख सकते हैं कि वन प्लस एक्स स्क्वायर माइनस वन अपान वन प्लस एक्स स्क्वायर, ऊपर हमने क्या किया प्लस माइनस वन जोड़ दिया है ना, तो उससे क्या होगा, इसको वन प्लस एक्स स्क्वायर के अपान में वन प्लस एक्स स्क्वायर अलग कर दो और वन के अपान में अलग, ये वाली जो वैल्यू है वो 1 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर इज, एक्स स्क्वायर इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, डू यू एग्री विद दिस पॉइंट, एक्स का मान चाहे कुछ भी हो एक्स स्क्वायर का मान 0 या 0 से बड़ा ही आएगा, तो 0 0 होने पर इसकी वैल्यू, जब एक्स स्क्वायर की वैल्यू जीरो होगी तो फंक्शन की वैल्यू वन आएगी, क्योंकि वन वन सॉरी वन माइनस वन अपान वन प्लस जीरो, तो एफ ऑफ जीरो विल बी इक्वल टू वन माइनस वन अपान वन प्लस जीरो, दैट इज वन माइनस वन यानी जीरो, ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके। और अगर एक्स स्क्वायर का मान जीरो से ज़रा भी बड़ा पॉजिटिव नंबर है तो वन अपान वन प्लस एक्स स्क्वायर की वैल्यू जो है वो हमेशा वन से कम होगी, और वन से कम होगी तो वन माइनस वन बाई एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, ये आपको यहाँ पर सोचना है, तनिक विचार कीजिए, बहुत ध्यान से इसको देखिए और समझने का प्रयास करिए कि उसमें क्या स्थिति आएगी। ओके डियर स्टूडेंट, सॉरी फॉर डिस्टरबेंस। तो आप लोगों ने विचार किया होगा कि एफ ऑफ जीरो की वैल्यू तो जीरो है, ये फंक्शन की कैसी वैल्यू होगी, इसके बाद आप देखिए, जैसे मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ कि सपोज एक्स का मान पॉइंट वन है तो फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, 1 माइनस 1 अपान 1 प्लस 0.1 का स्क्वायर 0.01,
वन माइनस वन अपन वन पॉइंट जीरो है, और ये जो वैल्यू है चूंकि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से कम है इसलिए वन माइनस जीरो पॉइंट समथिंग आए, यानी ये वाली वैल्यू लेस देन वन हो जाएगी, और ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो तो है ना। देयरफॉर क्या बोलेंगे हम, एफ ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है ना, बट एफ ऑफ एक्स इज लेस देन वन फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू डोमेन ऑफ द फंक्शन। तो इसका मतलब ये हुआ देयरफॉर रेंज ऑफ द फंक्शन विल बी क्लोज्ड इंटरवल, फंक्शन क्या था हमारा एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन वन प्लस एक्स। तो जब भी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा है तो वैल्यू हमेशा वन से कम आती है, तो लेस देन वन हो गया तो यहाँ ओपन इंटरवल है, और ये वैल्यू हमेशा एक्स स्क्वायर का मान चूंकि हमेशा पॉजिटिव है तो ये वाली जो वैल्यू है जीरो या जीरो से बड़ी ही आना है, ये भी तय है। तो रेंज ऑफ द फंक्शन विल बी क्लोज्ड इंटरवल जीरो टू वन। आई होप दिस इज वेरी मच क्लियर नाउ। तो ये थोड़ा सा अलग प्रॉब्लम है। क्वेश्चन नंबर सेवन एलजेब्रा ऑफ फंक्शन का है, ये वाला क्वेश्चन सिलेबस से डिलीटेड है। क्वेश्चन नंबर एट हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। एफ बराबर एक फंक्शन दिया, देखो 1, 1 2, 3 0, -1 -1, -3 ये एक लीनियर फंक्शन है जेड टू जेड, और एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू दिया है ए एक्स प्लस बी। तो आपको ए और बी की वैल्यूज निकालना है। ऐसा सवाल हमने शायद पहले भी डिस्कस किया है, हो सकता है रिलेशन में डिस्कस किया हो। तो यहाँ पर देखिए 1, 1 बिलोंग करता है एफ में, इसका मतलब है इमेज ऑफ वन विल बी वन, वन की इमेज वन है, वन की इमेज वन आएगी। तो यहां से ये फंक्शन अगर डिफाइंड है तो इसमें एक्स की जगह वन रखने से क्या मिलता है, वो मिलेगा ए प्लस बी, तो ए प्लस बी इक्वल टू वन, कॉलेट इक्वेशन। फिर देखिए 2, 3 बिलोंग्स टू एफ, इसका मतलब है एफ ऑफ 2 इज इक्वल टू 3, और फंक्शन में एक्स की जगह 2 रखेंगे तो हम क्या मिलेगा 2a प्लस बी दैट इज इक्वल टू, तो ए प्लस बी इक्वल टू 1, 2a प्लस बी इक्वल टू 3। इक्वेशन नंबर 2 माइनस 1 इम्प्लाइज 2 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करिए तो 2a माइनस a इज a, और b माइनस बी 0, 3 माइनस 1 इज 2, तो a की वैल्यू 2 निकल गई। नंबर 1 इम्प्लाइज a की वैल्यू 2 रख दीजिए तो 2 प्लस बी इक्वल टू 1, इम्प्लाइज b इज इक्वल टू माइनस 1, देयरफॉर f ऑफ x विल बी इक्वल टू 2x माइनस 1। तो a बराबर 2 है, b बराबर माइनस 1 है, दिस इज द। तो ये सवाल भी क्वाइट सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 9 लेट अस डिस्कस। एक रिलेशन है बच्चों a कॉमा b सच दैट a b बिलोंग्स टू n एंड a इज इक्वल टू b स्क्वायर। आपसे पूछ रहा है a कॉमा a बिलोंग्स टू r फॉर ऑल a बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। r का मतलब यह रिलेशन है, ध्यान रखिए रियल नंबर नहीं। तो ये वाला स्टेटमेंट ट्रू है या नहीं, इज दिस स्टेटमेंट ट्रू, हमारा आंसर क्या होगा उसके ऊपर हमको विचार। ए और बी का रिलेशन तब बनेगा जब ए बी स्क्वायर के बराबर हो, यानी पहला वाला नंबर यानी इस टाइप का नंबर होगा,
जैसे यहाँ पर अगर 4 है तो यहाँ 2 होना चाहिए, 4 इज इक्वल टू 2 स्क्वायर। ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर का मतलब अगर यहाँ ए ले रहे हैं और यहाँ भी ए ले रहे हैं तो ए बराबर ए स्क्वायर होना चाहिए, है ना? तो ये वाली बात तो गलत है, केवल 1 बराबर 1 स्क्वायर और 0 बराबर 0 स्क्वायर हो सकता है। इसके अलावा यहाँ तो लिखा है फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू एन, सभी नेचुरल नंबर के लिए। तो देखें आंसर लिखेंगे नो बिकॉज टू कॉमा टू डज नॉट बिलोंग टू रिलेशन एज टू नॉट इक्वल टू टू स्क्वायर। अब ये सभी के लिए है बोल रहा है, लेकिन एक के लिए भी हो गया कि नहीं हो रहा है, तो ये स्टेटमेंट जो है ट्रू है क्या? नहीं है, गिवन स्टेटमेंट इज फॉल्स। ओके, सेकेंड क्वेश्चन देखिए। ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर इंप्लाइज बी कॉमा ए आल्सो बिलोंग्स टू आर, क्या ये ट्रू है? सॉल्यूशन, वी सी दैट 4,2 बिलोंग्स टू रियल रिलेशन एज 4 इक्वल टू 2 स्क्वायर, बट 2,4 डज नॉट बिलोंग्स टू आर एज 2 नॉट इक्वल टू 4 स्क्वायर। दस 4,2 बिलोंग्स टू आर बट 2,4 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, देयरफॉर गिवन स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। ये भी फॉल्स है। ओके, थर्ड क्वेश्चन पे जाओ। थर्ड क्वेश्चन सेज इज ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर इंप्लाइज ए कॉमा सी बिलोंग्स टू आर ट्रू, क्या ये ट्रू हो? सॉल्यूशन, वी ऑब्जर्व दैट81,9 belongs to R as 81 equal to 9 square. 9, 3 belongs to R as 9 equal to 3 square. But 81, 3, A, B, B, C, A, C, 81, 3 does not belong to R as 81 is not equal to 3. तो देयरफॉर यहां भी हम बोलेंगे गिवन स्टेटमेंट इज नॉट, ये तीनों स्टेटमेंट फॉल्स है, क्योंकि अगर सभी के लिए ये वाली बात सही है तो इन जनरल सही होना चाहिए, और एक के लिए भी सही नहीं हुई तो हम बोलेंगे सबके लिए अप्लाई नहीं किया जा सकता। टेंथ क्वेश्चन में आपको एक फंक्शन दिया है, उसको बताना है कि वो ए से बी में रिलेशन है कि नहीं और फंक्शन है कि नहीं, तो वही इमेजेस के आधार पर विचार करिए। इलेवेंथ क्वेश्चन में आपको पुनः एक फंक्शन दिया है, लेट अस डिस्कस, ये थोड़ा सा एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसलिए मैं आपको इन सबको करा दे रहा हूँ। एफ बराबर है ऑर्डर्ड पेयर ए बी कॉमा ए प्लस बी,
such that a b belongs to integers. क्या f function है? तो function तो कोई भी ये relation तो होगा, ये a into b का relation a plus b से कर रहा है. तो हम यहाँ पर किसी example की कसौटी पे कस के देखते हैं इसको. अगर वो नहीं है और एक भी जगह फेल हो गया तो मतलब नहीं. देखो f ऑफ 6, इसको ऐसा लिख सकते हैं f ऑफ 2 इंटू 3. अब f ऑफ यहां लिख लो, वी हैव f ऑफ a इंटू b इज इक्वल टू a प्लस b, ऐसा हमको दिया. तो 2 इंटू 3 की इमेज क्या आएगी? 2 प्लस 3. तो दिस विल बी इक्वल टू 2 प्लस 3 एन 5. तो 6 की इमेज क्या आई? 5. आल्सो f ऑफ 6 को हम ऐसा भी तो लिख सकते हैं 1 इंटू 6. तो अगर 1 इंटू 6 लिखा तो 1 प्लस 6 यानी 7 इमेज आएगी. दस f इमेज ऑफ 6 बिलोंग्स टू z इज नॉट यूनिक. 6 की दो दो इमेज हो गई. देयरफॉर f मैप्स z टू z इज नॉट ए फंक्शन. क्या ये रिलेशन है? रिलेशन तो एक मेंबर का संबंध 10 लोगों से भी कर सकता है. ठीक है, तो इन दिस वे टुडे आई डिक्लेयर योर चैप्टर 2 रिलेशंस एंड फंक्शंस कंप्लीटेड इन ऑल रिस्पेक्ट. इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू डू ऑल द क्लास वर्क एंड प्रॉब्लम्स फॉर सेल्फ प्रैक्टिस विथ इंडेक्स इन योर नोटबुक. Whenever situations will become normal, your record will only prove that you have studied. And I have enough proofs online that I have taught. All videos are saved there in YouTube. No one can delete them from there except me. Okay. तो बच्चों ये वाला काम करना है आपको. ये टॉपिक कंप्लीट कर लेने के जस्ट बाद एक असाइनमेंट मिलेगा चैप्टर 2 पे, 10 मार्क्स का असाइनमेंट जो भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में ही होंगी. और वो आपको बहुत अच्छे से अटेम्प्ट करना है ताकि आपके इंटरनल मार्क्स भी अच्छे रहें. और उस असाइनमेंट को आपको सबमिट करना है गूगल क्लासरूम में गूगल फॉर्म की मदद से. और जो भी गूगल फॉर्म में क्वेश्चंस होंगे उन सारे क्वेश्चंस को आप अपनी नोटबुक में भी जरूर सॉल्व करके रखिए ऑफलाइन रिकॉर्ड के रूप में. तो ये वाला काम रेडी रखेंगे, चैप्टर 2 को फिनिश करेंगे. दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड. थैंक यू.